आपका स्वागत है। मीडिया एक ऐसे इवेंट को जब साथ देती है तो बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर ज़्यादा कलर्स नहीं है बट एक मैराथन है। और पांडे जी को मैं जो इनका इनफेयर से ये इनको पोलियो है, जो पहली मुलाकात मेरी हुई इनसे, तो मैंने ये कहा कि आप क्यों कर रहे हैं, इसमें आपका स्वार्थ क्या है। पहला मेरा स्वभाव, तो उन्होंने कहा भैया मेरा एक पैर में पोलियो है। देन आई सेड ओह आई एम सॉरी, मैंने फिर उनको देखा। और दूसरा मेरा कारण आप लोगों के समक्ष आने का ये है इस मैराथन को लेकर, कि मैं दौड़ता हूँ। आज भी सुबह 5 किलोमीटर दौड़ा हूँ। मुझे दौड़ना बहुत पसंद है। जब भी मैं स्ट्रगल के टाइम में भी, या डिप्रेशन रहा, या कोई फिल्म फ्लॉप हुई, या जब भी हुआ, या कभी, मैं हमेशा दौड़ता था। तो ये मुझे एक हमेशा जीने की राह मिलती थी। किसी ने कहा है कि आपके सारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं जब आप दौड़ते हैं, और एक अलग से फ्लूड, एक अलग से लिक्विड आपके ब्रेन में पॉजिटिविटी लाता है जब आप दौड़ते हैं, जब व्हेन यू स्वेट आउट, पसीना लाते हैं। तो मुझे दौड़ना बहुत पसंद है। अभी मैं 5 किलोमीटर रेंज पर हूँ, या 7 किलोमीटर तक जाता हूँ। नेचर में बहुत दौड़ता हूँ, आउटडोर्स में मैं दौड़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बशर्ते जिम में वेट्स उठाने के मैं फ्री हैंड ज़्यादा। तो आई लव रनिंग, आई जस्ट इंजॉय रनिंग, और इसीलिए मैं इस मैराथन के साथ हूँ। और सारे देश के हमारे जवान फौजी भाई रहेंगे, और आप लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों के द्वारा ये बात फैलेगी तो बहुत सारा क्राउड आएगा, और फिटनेस की भी बात आएगी, हार्ट के लिए भी अच्छा है, स्मोकर्स जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए भी रनिंग इज गुड, अल्कोहलिक के लिए अच्छा है, ज़्यादा खाने वालों के लिए अच्छा है। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जैसा मिलिंद सोमन ने एक रिकॉर्ड कायम किया आयरन मैन का, वो अद्भुत आदमी है मिलिंद सोमन, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। जब से आयरन मैन का उनको टैग मिला है तो वो एक इंस्पिरेशन बने। अक्षय कुमार एक इंस्पिरेशन है, ये सारे लोग इंस्पिरेशन बनते हैं आपके जीवन में। को उत्पल जी को इन लोगों को साधुवाद दूंगा कि ये लोगों ने एक ऐसी चीज़ सोची जो भी निस्वार्थ मन से, जिसमें इनको ना कुछ कमाना है, हेल्थ की बात है, मैराथन है, दौड़ना है, अब उसमें यूथ भी, ये बारे में हम लोग सब जानते थे, सुनते थे, बट ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें मौका मिला है ख़ुद भी पार्टिसिपेट करना या इसको प्रोत्साहित करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है, युवाओं के लिए भी अच्छा है, यूथ के लिए भी अच्छा है, और एकता यूनाइटेड यूनिटी भी रहती है इसमें। इसमें कोई जात पात, कोई भाषा, जो आजकल पूरा माहौल बन जाता है कभी कभार, तो इससे विपरीत है। तो वेरी नाइस अटेम्प्ट कलीना में। यस यस, मैं भी करूँगा, मैं थोड़ा रन करूँगा। पांडे जी पता नहीं क्या इनका प्लान है, बट मौका मिलेगा तो आई विल टेक इनिशिएटिव कि हम चूँकि सुबह 6 बजे है तो दौड़ेंगे ज़रूर। बहुत सैड हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं कि इतनी अच्छी फिल्म, जिसको हम कई लोग कह रहे थे कि 100 करोड़ के लीक में जाएगी, वो वाली फिल्म थी, और वो फिल्म लीक हो गई, तो बहुत दुख है। मैं तो नहीं देखूँगा, मैं जानते हुए भी कि मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर अवेलेबल है फिल्म, मैं तो वो फिल्म नहीं देखूँगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की थी। सनी देओल साहब भी, वो भी डेफिनेटली हर्ट हुए होंगे, डॉक्टर चंद्र प्रकाश भी, बहुत अच्छा सिनेमा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सेंसर होने के बाद ये आएगी तो लोग थिएटर में ज़रूर देखने जाएंगे, हमारे फैंस या हमारे परफॉर्मेंस के चाहने वाले लोग। ये ऐसा सिनेमा कई सालों में एक बार बनता है, तो डेफिनेटली, बिकॉज मेरे पास कोई था नहीं, ना गॉडफादर था, ना पैसा था, ना पहचान थी, ना ठीक से मकान था, मैं चौल में रहता था बांद्रा में। सो मेरे पास मरता क्या ना करता वाला था, या तो, और मैं फाइटर हूँ, सुसाइड तो कर नहीं सकता, गांव जा नहीं सकता था, खेत गिरवी था उसको छुड़वाना था, भाइयों बहनों की शादी की जिम्मेदारी थी, तो सर पे बोझा इतना था, तो मेरे पास और कोई अटेम्प्ट ही नहीं, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं तो दांत से ज़मीन खोद दूँ वो वाले, मैं इसीलिए अपनी इंडस्ट्री बना दी भोजपुरी हमने, उसी उसमें।